ऊंचा बोलना हमें भी आता है और हमसे ऊंचा कोई बोल नहीं सकता क्योंकि हम आम आदमी है। जम्मू कश्मीर का डोगरा गद्दार नहीं है, जम्मू कश्मीर का डोगरा देशभक्त है। इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई ताकत को पनपने नहीं देगा जो देश विरोधी बातें करेगी, जो शाहीन बाग की बातें करेगी, जो खालिस्तान की बातें करेगी। ऊंचा बोलना हमें भी आता है और हमसे ऊंचा कोई बोल नहीं सकता क्योंकि हम आम आदमी है। BPL कांग्रेस सरकार ने दिया, पेंशन कांग्रेस सरकार ने दी, सब कुछ जो है वो कांग्रेस सरकार। 370 जो धारा इन्होंने तोड़ी, 35 से तोड़ा, वो एक अच्छा कदम उठाने के सिवाय अगर ये कहें कि हमारे पास आपको कुछ दिखाने के लिए है तो नील बटा सन्नाटा। पंजाब 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 का रोना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 400 सीट लड़ी है उसने यूपी में, कितने लोग जीते हैं? उत्तराखंड में 70 लड़े हैं, कितने लोग जीते हैं? कश्मीरियों का किसने वेलकम नहीं किया मुझे बताइए, किन्होंने? केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। तब मैंने बोला केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। इन्होंने रीजनल इम्बैलेंस क्यों नहीं किया? जम्मू के साथ भेदभाव क्यों होता रहा? फ्री टेस्ट नहीं फ्री होगा? अरे भाई साहब मेरे पास आइए, कार्ड दूंगा 5 लाख का। जम्मू की जनता जय जयकार कर रही है 5 लाख के कार्ड। आपसे सवाल पूछता हूँ, किस पे करें भरोसा? आम आदमी पार्टी पे नहीं है। कौन है आम आदमी पार्टी में? कोई भी नहीं है। सब कुछ आप दे रहे हैं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है आम आदमी पार्टी। अरे भाई साहब इनके लिए हर एक इंसान खालिस्तानी है जो काम करता है। चौपाल चर्चा में मैं दीपक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हम आपको बता दें, फ्री फ्री की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार रही है? ये प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई सारे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो आजकल आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि भाजपा क्यों फेल हो रही है? भाजपा ने जो अच्छे कार्य किए हैं वो लोगों को बताने में क्यों फेल हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी जो है क्यों जम्मू कश्मीर से लुप्त होती जा रही है? ये तीन प्रश्न हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं उनके मैं आपको नाम बता दूँ। अमित कपूर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे अमित कपूर जी। इसके अलावा करण सिंह हैं भाजपा से, करण सिंह हैं भाजपा से, ये भाजपा की तरफ से पक्ष रखेंगे। रोहित बाली जी हैं आम आदमी पार्टी से, ये भी पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अनिल कोहली जी हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, ये कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आयात जम्वाल। तो इन सभी का पहले तो चौपाल चर्चा में सभी का स्वागत है। इस डिबेट में एक आम नागरिक भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही उनका नाम जो है वो पूछ लेता हूँ। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम गोपाल सल्होत्रा है जी। आप यहीं मुबारक मंडी में? जी हाँ, इसी एरिया में हम रहते हैं। हाँ, ये चर्चा जहाँ पर हो रही है ये मुबारक मंडी का एरिया है, पीछे आप देख रहे होंगे व्यू भी। और चर्चा की शुरुआत जो है वो हम भाजपा से करेंगे, भाजपा के लीडर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि क्यों आम आदमी पार्टी जो है तेज़ी से जम्मू कश्मीर के अंदर पांव पसार रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर की सबसे पवित्र धरती में से एक, जो हमारे डोगरों की विरासत है, उसमें आप आए हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। ये जो आप महल देख रहे हैं ये हमारे डोगरों के शूरवीर की गाथा सुनाते हैं, यहाँ इतिहास रचे गए हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमाओं को चाइना तक पहुँचाया, ये वो लोग थे जो बहादुर लोग हैं, ये वो लोग थे
जिन्होंने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कौन, आम आदमी पार्टी वाले? ये डोगरे, जम्मू कश्मीर के डोगरे थे। और आप ये जान के रखिए, ये आप लोगों की एक मिथ्या बातें हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, ये वो लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं जिन्हें अब कहीं और कोई सहारा नहीं मिल रहा है, और लोग उनका व्याख्यान कर रहे हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है। क्या इधर जम्मू कश्मीर के डोगरे जो हैं देशभक्त हैं? क्या आप सोचते हैं ये शाइन बाग की तरह यहाँ के लोग हैं? क्या आप ये सोचते हैं? आप पार्टी ने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जिनको उन्होंने धराशायी किया। पंजाब में यदि वो अब आए हैं लुभावने वादे करके, कल ही आपने देख लिया, पलट गए हैं, अपने भादों से पलट गए हैं। वहां पर जब वो जीत के आए तो वहां पर आप वो देखिए, बाहर से लोग कहते हैं कि हाँ जी खालिस्तान ने पैसे खर्च दिए, खालिस्तान की फलानी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जम्मू कश्मीर का डोगरा गद्दार नहीं है, जम्मू कश्मीर का डोगरा देशभक्त है। इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई ताकत को पनपने नहीं देगा जो देश विरोधी बातें करेगी, जो शाइन बाग की बातें करेगी, जो खालिस्तान की बातें करेगी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी मींस चांदनी चौक से लेकर वहां पर शाइन बाग, आम आदमी का मतलब खालिस्तान। ऐसी बातें जम्मू में नहीं चलेंगी। ऐसी कौन सी बातें इन्होंने की हैं? और क्या है, आप आम आदमी का विख्यान करेंगे मींस खालिस्तान का विख्यान करेंगे, आप आम आदमी का विख्यान करेंगे मतलब कि आप शाइन बाग कब करेंगे, आप आम आदमी का पान करेंगे तो कश्मीरियों पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। ये देश विरोधी बातें करते हैं आज, जो जिनको राष्ट्रभक्त लोगों ने निकाल दिया है। आज बोलो आम आदमी पार्टी की बात करें, आप ये बात बताइए मुझे, कौन लोग आज की अखबारें उठाइए, XMLA, XMP, एक्स चेयरमैन, सभी आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन्होंने, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कहाँ है आम, जो XMLA आम आदमी है, जो XMP है आम आदमी है, जो एक्स चेयरमैन है आम आदमी है। ये झूठी बातें करना बंद कीजिए। और ये जो मिथ्या एक बना के रखा है कि जम्मू में आम आदमी पार्टी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है राष्ट्र विरोधियों का। मैं आपको बता दूं तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई वेव नहीं है, कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। सर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो तेजी से पांव पसार रही है, या आपका भी मन है कि अब आप आम आदमी पार्टी में जाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी जो एक जगह, जो डोगरों की विरासत, उसको चुना, उसके लिए मैं दैनिक समाचार का धन्यवाद करता हूँ। बात यह है कि हमारे अभी भाजपा के भाई साहब जो करण सिंह जी बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी क्यों आ रही है। दूसरी बात, भारत में, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, हर आदमी आ सकता है कोई भी। लेकिन जब तक, जहां तक आम आदमी का सवाल है, आम आदमी आम पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी जो है वो एक जम्मू में शगुफा लेकर आए। देखिए, लोगों की फेंकी हुई ईंटों से अपना घर नहीं बनाया जा सकता। जो लोग रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जो लोग दो दो बार हारे हैं, जो तीन तीन बार हारे हैं, जिनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया, आप उन लोगों को जोड़कर कुनबा बना रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वो जोड़ रहे हैं कि ये जा रहे हैं उसमें? देखिए, बात एक ही है, चाहे चाकू छुरी पे गिरे, चाहे चाकू सेब पे गिरे, चाहे सेब छुरी पे गिरे, बात एक ही है, जा रहे हैं या वो ला रहे हैं, वो आपके सामने है। पत्रकार ज़्यादा ये चीज़ जानते हैं। दूसरी बात, ये जो शगुफा लेकर आ रहे हैं बिजली पानी का, तो ये जम्मू के लोगों को, जैसे इन्होंने वहाँ के लोगों को बरगलाया, यहाँ भी बरगलाया। किसी आदमी का जो एक भरपूर परिवार है, उसका 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आता है। जम्मू में, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, तो कांग्रेस के वक्त से बिजली की स्लैब चल रही है कि जो कम बिजली खर्च करता है उसको कम किराया लगता है, जो ज़्यादा खर्च करता है उसको ज़्यादा लगता है। ये आज की नहीं है। रही बात फ्री की, BPL कांग्रेस सरकार ने दिए, पेंशन कांग्रेस सरकार ने दी, सब कुछ जो है वो कांग्रेस सरकार ने दिया। कांग्रेस विलुप्त क्यों हो रही है, इतना कुछ दिया? गलत कह रहे हैं आप, विलुप्त नहीं है, इलेक्शन हुए हैं। उत्तराखंड में हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप गोवा में देखिए हम बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। आपकी बात करते हैं, पंजाब का रोना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 400 सीट लड़ी है उसने यूपी में, कितने लोग जीते हैं? उत्तराखंड में 70 लड़े हैं, कितने लोग जीते हैं?
संगठन को संगठन से चलाया जाता है, शगुफों से, इसको उधर से पकड़ के, इसको उधर से पकड़ के पार्टियां नहीं चलती हैं। तो आपको लग रहा है कोई पांव नहीं पसार? एक बात मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली यूटी में बैठी है, यहाँ पे जो बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं जम्मू को जम्मू जम्मू, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीना, और जो हमारे केजरीवाल साहब हैं वो तो अपनी दिल्ली को आज तक स्टेटहुड नहीं दिला पाए, वो जम्मू को कैसे स्टेटहुड दिलाएंगे? उनके पास पुलिस नहीं है, वो उनको एक कांस्टेबल को हैंडल करने का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट को कैसे हैंडल करेंगे? ये तो इनको बताना पड़ेगा जब ये इलेक्शन में जाएंगे, तब तो ये, अभी तो ये सिर्फ इकट्ठे कर रहे हैं लोग, मेला बना रहे हैं, चार लोग उधर से जोड़ रहे हैं, चार लोग उधर से, सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है ग्राउंड, तो कहीं भी नहीं है आम आदमी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित कपूर जी हैं यहाँ पर। अच्छा कपूर साहब, ये तो कह रहे हैं कहीं भी नहीं है, खालिस्तानी है आम आदमी पार्टी, और हम ये कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर क्या पांव पसार रही है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम करते हैं? देखिए, ऊंचा बोलने से किसी पे इल्ज़ाम लगाने से आम आदमी पार्टी को लाइसेंस नहीं चाहिए इनको। जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को चाहिए क्या, जम्मू कश्मीर की आवाम को चाहिए अच्छे स्कूल, ना कि हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर को चाहिए अच्छे हॉस्पिटल, ना कि जातिवाद, जो आज तक बीजेपी कांग्रेस एनसीपीडी भी करती आई। मैं पूछना चाहता हूँ 75 सालों से इन्होंने किया क्या? 75 सालों से इन्होंने हिंदू मुस्लिम जातिवाद इसके सिवा किया क्या? ऊंचा बोलना हमें भी आता है, और हमसे ऊंचा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि हम आम आदमी हैं, और आम आदमी जो होता है आम आदमी की वजह से ये लोग बने थे, और आज इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातिवाद करना आता है। क्यों अच्छे स्कूल नहीं बना पाए? क्यों आज तक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल पूरे देश में नहीं बना पाए जो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बना के बताए? क्यों 7 सालों से उस इंसान ने वो काम किया जो इनकी सरकारें नहीं कर पाई? क्यों आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने, सीएम ने किया? क्यों ऐसा स्कूल नहीं है आज तक गवर्नमेंट जहां पे स्विमिंग पूल है? क्यों ऐसा स्कूल नहीं है गवर्नमेंट जहां पे एसी लगे हुए हैं? क्यों ऐसा स्कूल नहीं है गवर्नमेंट जहां स्मार्ट क्लासेस है? क्यों आज तक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना जहां पे इक्वल एजुकेशन दी जाती है? क्यों ऐसे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने यहाँ पे यूरिन टेस्ट से लेकर एमआरआई सीटी स्कैन तक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं? इतना सब कुछ आप दे रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है आम आदमी पार्टी। अरे भाई साहब, इनके लिए हर एक इंसान खालिस्तानी है जो काम करता है, इनके लिए वो इंसान सही है जो हिंदू मुस्लिम करता है। ये लोग वो लोग हैं जो दंगे करवाते हैं, FIR किसी और पे लगती है, खुद खिसक जाते हैं। ये लोग काम नहीं करते भाजपा वाले? क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, जब लेह लद्दाख हमसे अलग नहीं था, जब लेह लद्दाख के MP जमीनें बचा गए, स्टेट सब्जेक्ट बचा गए, अपनी नौकरियां बचा गए, तो इनके वहां पे मेट्रो चलाते हैं वहां जाके सपनों में? आज तो रविंद्र रैना जी के सपने में केजरीवाल साहब आ गए, तभी तो आज वो बिजली पानी फ्री की बात करते हैं। पहले इनको पूछिए, जाके पूछ के आए रविंद्र रैना को, वो बिजली पानी फ्री की बात क्यों कर दी? वो कहां से बिजली पानी की बात आ गई? इनको खुद नहीं पता होगा कि रविंद्र रैना जी ने बोल दिया, क्योंकि उनके सपने में केजरीवाल साहब आ गए थे, उन्होंने बोल दिया कि बिजली पानी बोलो, तो बिजली पानी बोल तो दिया। ये सारी पार्टियां विफल हैं, ये विफल हो चुकी हैं। इनका जो सुपड़ा है वो साफ होने वाला है, क्योंकि झाड़ू चलने वाला है, धूल उठने वाली है, ना हाथ रहेगा ना फूल, और NCPDP का तो कोई वजूद ही नहीं। NCPDP का वजूद ही नहीं, वजूद ही नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका कोई वजूद ही नहीं। आज मैं आपके डिबेट में कहना चाहता हूँ, 90 की 90 सीटों में इलेक्शन लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी वहाँ खड़ा होगा। ये जो बात करते हैं ना XMP, XMLA, XMLC, अरे भाई अभी तो वो आए नहीं, ये इतना डर गए, अभी तो वो आए नहीं, ये इतना डर गए। चलो आपके साथी से भी राय ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय पे। अच्छा आपका क्या विचार है कि क्यों लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर में? दीपक जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहां पे ऑर्गेनाइज करवाया। सबसे बड़ी बात ये है, आपको याद है कि हमारे जो हिंदुस्तान है वो कितनी देर गुलाम रहा है, उसमें सबका योगदान रहा है, सबने काम किया, मैं नहीं कहूँगा किसी ने काम नहीं किया। वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में बोला था, इंदिरा गांधी जो है दुर्गा का रूप है, हम नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं
फैक्ट्स और फिगर की बात करनी चाहिए, ना कि हवा में। भाजपा साहब से इसमें कौन सा लीडर हवा में बात कर रहा है? बात करने दीजिए ना, पहले मुझे बात करने दीजिए। भाजपा साहब से बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। उन्होंने बोला इंदिरा गांधी जो थी वो दुर्गा का रूप थी, अब उनकी बात माने या मोदी साहब की बात माने जो बोलते हैं पिछले 70 साल से भारतवर्ष में कुछ नहीं हुआ, बताइए किसकी बात माने। अब रही बात आपने जो पूछी केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं है, उन्होंने आंदोलनकारी थे वो। उन्होंने किन लोगों के लिए आंदोलन किया था? उन्होंने देश के उन लोगों के लिए आंदोलन किया था जो लोग दुखी थे, और जब उन्होंने आंदोलन किया था तब उनके मन में बिल्कुल ये विचार नहीं था कि कभी पार्टी बनाएंगे। जब लोगों का मत मिला, साथ मिला, तो उन्होंने बोला ठीक है जी हम पार्टी का गठन करेंगे। गठन किस लिए किया? क्या उन्होंने अपने लिए किया? आज बिजली अगर फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाएं अगर दिल्ली में कहीं भी घूमती हैं उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है, आपके मोहल्ला क्लिनिक हैं वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, ये मेरे साथी यहाँ पे जितने भी खड़े हैं हमारे जम्मू के, आप इनसे बोलिए जाइए और अभी जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर 4 महीने की आपको डेट ना मिले तो मैं अभी आप जो बोलेंगे वो करूँगा। आप जाइए कोई भी छोटे से छोटा टेस्ट करवाने के लिए, आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। आज आपके पास राशन नहीं है, कौन सी बात कर रहे हो आप मुझे बताइए, क्या है बीजेपी वालों के पास? क्या है? कुछ नहीं है। बताइए अगर यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, बताइए क्या किया पिछले 7 साल में? रही कश्मीर फाइल की बात, बर्निंग इशू कश्मीर फाइल, वो एक मुद्दा है। क्या मुद्दा है? केजरीवाल साहब कर रहे हैं झूठी फिल्म है। केजरीवाल साहब ने झूठी फिल्म नहीं की, आप मीडिया के लोग हैं, आप सुनिए उसको क्या बोला उन्होंने। नहीं, हमने सुना नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला 250 करोड़ रुपया विवेक अग्निहोत्री ने कमाया, क्यों नहीं बांट देते हैं वो गरीब लोगों में? क्यों नहीं बांट रहे हैं मुझे बताइए? फिल्म झूठी नहीं है, फिल्म झूठी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, किसने बोला है फिल्म झूठी है? मैं बोल रहा हूँ, हमने देखा है, हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, लुथरा अकेडमी में मेरी स्टडी हुई है, हमारे बच्चे आए थे छोटे छोटे, हम भी छोटे थे उस समय, हमने देखा यहाँ पर लंगर लगे थे कश्मीरियों का, किसने वेलकम नहीं किया मुझे बताइए? केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। तब मैंने बोला केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। जब वहां से कश्मीरियों का पलायन हुआ था तब तो 5 साल मिले थे ना भाजपा को, आज 8 साल फिर मिले हैं भाजपा को, क्यों नहीं सेटलमेंट हो पाई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की, बताइए क्यों नहीं हो पाई? और फिर आप मेरी बात सुनिए, 233 लोग जो टीचर वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल लगे थे दिल्ली में हैं, उनको पक्का किसने किया? आप मुझे बताइए यहां किसने पक्का किया? किया किसने वहां पर आज उनको पक्का किया? 233 लोग थे, 233 के 33 वहाँ पे पक्के हुए हैं। चलिए, मुझे लगता है पत्रकार जो हैं वो ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। अच्छा जम्वाल साहब, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी पांव पसार रही है कि नहीं पसार रही है? देखिए, ये जो चौपाल पे चर्चा आपने कार्यक्रम शुरू किया है स्टेट समाचार की तरफ से, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है कि आम जनता, और जिसमें आम जनता और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आपने इकट्ठे करके यहाँ पे एक चर्चा करने की कोशिश की। जी देखिए, हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, किसी पार्टी से कोई हमारा संबंध नहीं, लेकिन आपको ये एक बात माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नई होप नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी साल यहाँ पर शासन किया है, तो जम्मू के लोगों की भी उनसे शिकायतें हैं, कश्मीर के लोगों की भी उनसे शिकायतें हैं। फेल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी? नहीं, हम नहीं कहेंगे फेल, हर कोई अपने टाइम पे अच्छा काम करने की कोशिश करता है जिसकी जितनी उसकी समझदारी होती है, और पिछले 7 सालों से अगर देखें तो भाजपा है, और भाजपा के टाइम पे जम्मू के लोगों की भी शिकायतें बहुत बड़ी, कश्मीर के लोगों की भी बहुत शिकायतें बड़ी, एक अच्छा काम करने के सिवाय 370 जो धारा इन्होंने तोड़ी, 35 से तोड़ा, वो एक अच्छा कदम उठाने के सिवाय अगर ये कहें कि हमारे पास आपको कुछ दिखाने के लिए है तो नील बटा सन्नाटा। आपके जम्मू में 6-7 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जम्मू जू का प्रोजेक्ट, तवी का प्रोजेक्ट, अभी ये जो आपका फ्लाईओवर का है जो बना हुआ है उसका है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं गंडोला जो है बहुत मुश्किल से चला, मुबारक मंडी जो है ये सालों साल से, हर बार हम सुनते हैं कि 3 सालों में 4 सालों में ये हो जाएगी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, ना डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे कुछ कर पाए हैं, ना लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझा पाए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर जी, अब आम आदमी पार्टी जो है एक मॉडल लेके आ रही है, जिसको आप सोशलिस्ट पैटर्न पे भी कह सकते हैं, कि वो बिजली पानी आपको फ्री नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि जो 200 या 300 यूनिट है वो हम आपको फ्री देंगे। तो देखिए, क्या जो एक आम आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है उसका बिजली पानी पे कोई अधिकार नहीं?
बनता है उसका अधिकार, और जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के उनके ऊपर सभी का अधिकार बनता है। तो ये जो बिजली पानी का एक लिमिट लगा के उन्होंने कहा कि हम फ्री देंगे, ये लोगों को लुभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लुभाएगा। दिल्ली में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छी की है, उसके बाद हॉस्पिटल्स का इंफ्रा बढ़ाया। आज की डेट में दिल्ली में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को भी एक रिवार्ड दिया जाता है, और किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए तो उसका इलाज फ्री होता है। वैसा मॉडल बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, और बीजेपी के लोगों का कहना है कि इनके पास रिजेक्टेड लोग जा रहे हैं, ये तो ज़बरदस्ती से रिजेक्टेड लोगों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। आपको मालूम होगा अखनूर से एक बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, आजकल वो संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लोगों को लेके गए हैं, और पहले उनका होटल जो था वो बंद था, अब चल पड़ा है। करप्शन के ऊपर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप आम दिनों में देखेंगे तो ACB जो है PN पटवारी और JEE को पकड़ती है, इसके ऊपर उनका शायद नज़र जाती ही नहीं। तो पिछले 7 सालों में अगर बीजेपी कहे कि हम आपको कुछ दिखा पाएंगे कि हमने जम्मू की डेवलपमेंट के लिए या जम्मू की बहबूदी के लिए, कश्मीर की बहबूदी के लिए कुछ किया, तो अभी तक इनके पास ऐसा कुछ दिखाने को है नहीं। तो लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के लिए एक ऑप्शन बनेगी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी जो भी कहें आप। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ये कहती है हम लेकर आएंगे, बीजेपी 7 साल में कुछ जो प्रोजेक्ट, जो हमारे जम्वाल साहब ने प्रोजेक्ट बताए, चाहे वो झील का प्रोजेक्ट हो, चाहे गंडोला का प्रोजेक्ट हो, चाहे मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट हो, सब प्रोजेक्ट आपने आपकी इच्छा नहीं थी बनाने की, सब प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिए हैं, एलोकेशन हुई है। मैं आपको एक रिसेंटली बात बताता हूँ, बीजेपी की कारस्तानी, ये बीजेपी वाले हिंदू, इन्होंने कांग्रेस के टाइम में रघुनाथ बाजार को हेरिटेज बाजार जो है वो अनाउंस किया गया, और उसके लिए स्पेशल एलोकेशन की गई फंड की, लेकिन इन्होंने सिर्फ सिटी चौक को भारत माता चौक नाम दिया, और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं, ये सिर्फ बात करते हैं, इनके पास शगुफे हैं। जो बातें इन्होंने कही कि कांग्रेस अपने टेनवर में कुछ खास कर नहीं पाई, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस की जरूर कुछ गलतियां रही होंगी, तभी लोग हमसे नाराज हुए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये प्रोजेक्ट हेरिटेज का कांग्रेस ने शुरू किया, जो झील का प्रोजेक्ट है लेक का, वो कांग्रेस ने शुरू किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली जो बजट निकाला गया जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें 550 करोड़ नगीन लेक के लिए दिया गया, 500 करोड़ डल के लिए दिया गया, 500 करोड़ बुल्लर लेक के लिए दिया गया, जिस तभी को ये माता कहते हैं, वहाँ आरती करते हैं, उसके लिए 10 पैसे की एलोकेशन नहीं की गई। मुझे ये बताइए, ये जम्मू को सिर्फ जम्मू से वोट लेना चाहते हैं, जम्मू को देंगे क्या? चलो, आम आदमी मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर राय जो है वो दे सकता है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ जितनी भी बातें आपने सुनी, इसमें कितनी सत्यता आपको लगती है? देखो, सभी पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, मैं इनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ, अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी आ रही है जम्मू में, वेलकम करते हैं उसका, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन ये फ्री की बात क्यों करते हैं? फ्री की बात से क्या हमारा भारत देश आगे बढ़ सकेगा? नहीं बढ़ सकेगा। ये विकास की बात क्यों नहीं करते? ये रीजनल इम्बैलेंस की बात क्यों नहीं करते? अगर कांग्रेस के हमारे मारथी ये कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, इन्होंने रीजनल इम्बैलेंस क्यों नहीं किया? जम्मू के साथ भेदभाव क्यों होता रहा 70 साल से आम आदमी पार्टी ने? नहीं, कांग्रेस का टाइम ही रहा, क्यों रीजनल इम्बैलेंस दूर नहीं कर सके? क्यों झील का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता? अगर इन्होंने चालू किया था तो पूरा करके बताते, पूरा क्यों नहीं कर सके कुछ भी? इसलिए लोगों का मोह भंग होता गया, कांग्रेस से इतना मोह भंग हो गया। आज अगर बीजेपी आई हुई है, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो रोशनी की किरण इधर स्टेट में लोगों को नजर आने लगी है, दफा 370 टूटने के बाद। अगर आम आदमी फ्री की बात ना करे तो आप लोग वोट देंगे इनको? नहीं, फ्री बिजली की बात ये देखिए, आम आदमी पार्टी में अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा लोगों को। हम वेलकम करेंगे अगर आम आदमी पार्टी आती है, लेकिन ऐसा चेहरा इनमें नजर नहीं आ रहा। जो रिजेक्टेड पीस हैं, जो रिजेक्टेड लोग हैं, वही जा रहे हैं, जो निकाले गए हैं, जहाँ मंत्री पद देख रहे हैं कि अगर इन हमें मंत्री पद कहीं से नजर नहीं आ रहा, इधर शायद मिल जाए, तो वही लोग जा रहे हैं, वो ऐसे चेहरे वो उधर भाग के जा रहे हुए हैं।
लेकिन अभी कोई ऐसा चेहरा कोई अच्छा पाँव पसारती लग नजर नहीं आ रही। पाँव पसारती अभी नजर नहीं आती, अभी 20 साल इनको इधर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 20 साल? जी जी जी। तो 20 साल आम आदमी पार्टी को यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं करण जी आपका मत जानना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी बातें आपने सुनी क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी? जम्बाल साहब ने कहा नील बटा सन्नाटा, इस नाम की एक फिल्म भी आई थी। अच्छा, ठीक है जम्बाल साहब, नील बटा सन्नाटा। टैक्स फ्री कर दी केजरीवाल ने, दंगल टैक्स फ्री कर दी, वो सांड की आंख कर दी, उसमें कौन सा संदेश था? जे कह रहे थे पैसे खर्चो ना उन पे कश्मीरियों पे, अरे भाई दंगल पे आए पैसे, कई 100 करोड़ का हुआ बिजनेस, बताओ ना कितने पैसे खर्चे खिलाड़ियों पे, बताओ ना कितनी डेवलपमेंट की खेल के मैदान में। वो जवाब नहीं होगा, 233 की बात करते हैं, 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी। अरे भाई साहब आपको पता नहीं है केजरीवाल जी ने 2015 में केस लगा दिया कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो 1993 से लेके 1998 तक वो भारतीय जनता पार्टी ने वो कश्मीरी पंडित लगवाए थे, उनको पक्का करने के लिए 2015 में वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, वहां पे उनको केस जीता तो केजरीवाल जी ने कहा नहीं ये नहीं पक्के होंगे। फिर वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से उनको पक्का हुआ, 2019 में वो केजरीवाल जी को मार खा के पताड़ना से उनको लगाना पड़ा। एक और बात सुन लीजिए, फ्री टेस्ट नहीं फ्री होगा? अरे भाई साहब मेरे पास आइए कार्ड दूंगा 5 लाख का, जम्मू की जनता जय जयकार कर रही है 5 लाख के कार्ड की, इनको नहीं पता है क्यों? क्योंकि ये असमंजस में है, कहीं का रोड़ा कहीं का है, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये अभी कुंभा जोड़ रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी अभी इनको ये नहीं पता है कि हम हैं कहां, ये इनको क्या पता कि 5 लाख का कार्ड है हमारे पास, गरीबों को राशन 6 महीने और फ्री कर दिया है कि मोदी जी ने केजरीवाल जी ने क्या करना है, गरीब आदमी जम्मू कश्मीर में केवल राशन नहीं खाता है। मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो बाहर से आएगा और जम्मू कश्मीर में भूखा है, और बाकी आपको बता दूं दिल्ली में और बाकी जगह जितनी भुखमरी है, और जो जो बाकी मॉडल की बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं, कहां वही जहां पर शाहीन बाग है और जहां पर खालिस्तान है वहीं पर केजरीवाल है, और कहीं देशभक्तों के बीच में केजरीवाल ना आया है ना आएगा, ये आपको मैं बता दूं। कुछ आम नागरिक भी हैं जहाँ पर कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये 5 लाख की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने अभी करवाया ऑपरेशन। अच्छा, बिना पैसे के मुफ्त में कराया? आयुष्मान कार्ड बनाया आपने? हाँ हाँ, मैंने करवाया है। मोदी जी पर भरोसा आपको? अरे किस पे करें बताओ आप। नहीं हम नहीं, नहीं। एक चीज मुझे बताओ, मैं उल्टा आपसे सवाल पूछता हूँ, किस पे करें भरोसा? आम आदमी पार्टी पे नहीं है। कौन है आम आदमी पार्टी में? कोई भी नहीं है, बताओ। आम आदमी का मतलब क्या होता है? जो आराम के आराम से रहे, स्कूटर पे चले, साइकिल पे चले, ज़्यादा ज़्यादा एक छोटी सी कार पे चले। लश्कर लेके चलने वाला आम आदमी नहीं हो सकता, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला आम आदमी नहीं हो सकता। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इन्होंने ये कहा, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जहाँ हम बैठे हैं मुबारक मंडी प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम भी था, बीजेपी के टाइम भी था, तो आप हालात देख सकते हैं। आर्टिफिशियल लेक कहाँ है आप देख सकते हैं, आज तक आर्टिफिशियल लेक दी गई। अब ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल मत दो, अच्छे हॉस्पिटल मत दो, बिजली पानी फ्री मत दो। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल साहब अपनी जेब से नहीं देते, जो आप लोग ठेकेदारों को कमीशने देते हो, जो 50 करोड़ का ब्रिज जो है वो 100 करोड़ का बनाते हो, वो अरविंद केजरीवाल साहब ने वही पैसा बचाकर लोगों को बिजली फ्री दी। और एक स्टेट ऐसी है हमारी अरविंद केजरीवाल साहब की स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट में है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, फ्री 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 की जो सियासत करने वाले लोग हैं उनकी सच्चाई में आम लोगों को बताना चाहता हूँ। कोरोना पैनेडेमिक में 823 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने अपनी फोटो चिपकाने के लिए खर्च किया है। जाइए जाकर उसको देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ 823 करोड़ रुपया सिर्फ 1.5 महीने में उन्होंने 150 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए। और बता रहा हूँ, स्कूल 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 का इधर नारा लगाया जा रहा है, यहाँ का जम्मू का रणवीर स्कूल सबसे बड़ा स्कूल कांग्रेस के टाइम में, और वो सबसे सब लोग यहाँ के जितने लोग खड़े हैं यहाँ के 80% लोग फ्री में वहाँ पढ़े हैं। यहाँ पे गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल फ्री में, सबसे टॉप स्कूल फ्री में, यहाँ का हॉस्पिटल
फ्री में। मैं यह बताना चाहता हूँ, यहाँ की पुरानी मंडी, यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है फ्री में, पिछले 50 साल से चल रही है। मैं ये केजरीवाल जी के पास सिर्फ शगुफा है, 4 करोड़ की दिल्ली आबादी में उनके पास उन्होंने सिर्फ 24 स्कूल डेवलप किए। ठीक है, ठीक है शगुफा, लेकिन हम अपने अपने दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये था कि भाजपा जो है वो क्यों, जो वो अच्छे काम कर रही है वो जनता को नहीं बता पा रही कि वो अच्छे काम कर रही है। शुरुआत हम भाजपा के लीडर से ही करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि क्या क्या परेशानी है, कोई आप अच्छा काम कर नहीं रहे या लोगों को आप बता नहीं पा रहे हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं? हम अच्छे काम कर भी रहे हैं और लोगों को समझ भी आ रहे हैं। इन्होंने पहले मुबारक मंडी की बात की, पिछले 70 साल से मुबारक मंडी अपने आप पर रोती थी। जरा इधर भी नजर मारिए, 370 और 35 ए के टूटने के बाद कॉम्प्लेक्स पूरे होने शुरू हो गए हैं, इनके काम में गति तेज हो गई है। आप जो ये कह रहे हैं कि स्कूलों की दशा, आज कल के न्यूज़पेपर में उठा के देखिए, केजरीवाल जी के स्कूलों के बजाय केजरीवाल जी के ही लीडर केंद्रीय विद्यालय, सुना है नाम, ये सेंटर के अधीन आते हैं केंद्रीय विद्यालय, उनके लिए एमपी वगैरह मिनिस्टरों से कह रहे थे कि हमें भी प्रायोरिटी पे दीजिए, वो स्कूल बढ़िया है जो सेंटर चला रहा है। कहाँ है केजरीवाल जी के स्कूल? आपको बीमारी का तो अभी पता चल गया कार्ड का। दूसरा बीजेपी का ये मैंने कहा, एक माहौल बनाया जा रहा है आप द्वारा, एक वैक्यूम पैदा किया जा रहा है यहाँ पर। ये मैंने सीधा कहा कि जो शाहीन बाग में पैसा फेंकते थे, जो खालिस्तान का पैसा फेंकते थे, अब आपने देखा कि चिट्टे और बहुत दूसरे केस जम्मू में भी बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पर भी उन्हीं लोगों का पैसा आना शुरू हो गया। और ये लोग कहाँ, किसने कहा कि जम्मू में, आज जम्मू में पंचायत हमने जीती है बीजेपी ने, आज DDC हमने जीती है, इससे पहले जो इलेक्शन हुई है हमने जीती। अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और ये बता भी। अच्छा यही सवाल आपसे है कि भाजपा क्या अच्छा काम कर रही है या बता नहीं पा रही है? मुझे एक बात बताइए, अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर दिल्ली में राजा तो मोदी है, तो मुकुट केजरीवाल साहब के पास क्यों है? बताइए, दीजिए जवाब। लोग बेवकूफ हैं, दिल्ली के जो लोग हैं हम लोगों से, जम्मू वालों से 50 साल आगे हैं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब लोगों को मुफ्त की खाना सिखा रहे हैं। भैया मुफ्त में क्या मिलता है, क्या मिल रहा है मुफ्त में? गरीब आदमी अगर, उसको बिजली नहीं देनी है? भाजपा के लोग जो गरीब आदमी का जो मीटर काट रहे हैं, हैं आपके बच्चे सोए हैं रात को, बिजली कट जा रही है आपकी, अभी आपको स्मार्ट मीटर देंगे, पता चल जाएगा आपको 1 महीने के अंदर। अभी वार्ड नंबर 2 में कल प्रोटेस्ट हो रही थी, क्यों हो रही थी प्रोटेस्ट? हैं आप स्मार्ट मीटर दे रहे हो, स्मार्ट मीटर से क्या हो जाएगा? रात को आपके बच्चे सोए होंगे, उनको मलेरिया हो जाएगा सोए सोए, आपके पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास रोजगार नहीं है, डेली वेजर सड़कों पे है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या भाजपा अच्छे काम कर रही है या बता नहीं पा रही है, क्या समस्या क्या है, लोग क्यों नाराज़ हो रहे हैं भाजपा से? देखिए, जो जब इन्होंने 25 सीटें यहाँ पे जीती तो इलेक्शन जो है मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, वो एक जो इनकी परफॉर्मेंस रही मिनिस्टर्स की, PDP के साथ समझौता करना, कल तक वो एंटी नेशनल थे और PDP के साथ इनकी सरकार बन गई। उसके बाद जब से गवर्नर रूल आया तो भाजपा के लीडर वो सिर्फ डांस करने के लिए है, बल्कि सरकार उनकी जो इनकी ही सरकार है, लेकिन अपना बंदा भी है, लेकिन अपना बंदा भी इनकी बात सुनता नहीं। शराब एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में इन्होंने शराब पे बहुत हंगामा किया कि केजरीवाल जी शराब के लेकर ये कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने 224 थे पहले, अब 54 और बढ़ा दिए। बाहर से माफिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे ठेके, माइनिंग माफिया जो है, जो आपको ट्राली कल तक 200 की, 500 की, 600 की मिलती थी, आज 3000 में मिल रही। और ये लोग जो है, इनके ही, आपको याद होगा, इनके ही लीडर ने माइनिंग माफिया का एक बड़ा इल्ज़ाम बड़े मंत्री पे लगाया था, और ये बातें जो हैं वो आम लोगों में हो रही हैं। इनके पास एक अपने आप में एक वो है कि हमारे सिवाय आपका ऑप्शन क्या है, जम्मू के पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन कांग्रेस नहीं है, वो एक अहंकार हो गया, अहंकार हो गया, मतलब कि अब क्या कहें उसको। लेकिन कांग्रेस आज की डेट में जम्मू के लिए ऑप्शन नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP भी जम्मू के लिए ऑप्शन नहीं है, तो जम्मू का ऑप्शन जो है वो लोग पिछले सालों से ढूंढ रहे थे। कभी एक डोगरा स्वाभिमान संगठन बन के भी निकल के आया, यहाँ एकजुट जम्मू भी आया, लेकिन वो एक वायबल ऑप्शन नहीं बन पाए। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 90 सीटें ली हैं और बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, देखिए इसमें आप इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो लीडर्स थे, जो अननोन लीडर्स थे, उन्होंने अमरिंदर सिंह को हरा दिया, बादल को हरा दिया, लंबी से बादल को हराना, सुखबीर सिंह हार गया, मतलब जो लोग बदनाम थे
और माफिया चला रहे थे। यहाँ पे भी आज माफिया की एक बहुत परेशानी है, और भाजपा के दौर में ये सब बढ़ा है, ये बढ़ा है। और करप्शन को जो भी इन्होंने वायदे किए उसमें किसी पे भी ये अभी तक, देखिए मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे तो हम मोदी जी को वोट देंगे दिल्ली में, लेकिन जम्मू में अगर भाजपा अच्छा काम नहीं करेगी तो हम मोदी जी को वोट यहाँ पे क्यों देंगे? ये एक आम लोगों की बात जो है वो चल रही है। आप दिल्ली में भी देख लीजिए, ठीक है, ये अपना सरकार केजरीवाल की बनती है, सातों की सातों सीटें बीजेपी एमपी की लेके जाती है, तो यहाँ पे भी वो ऐसा एक ऑप्शन शायद लोगों में आ रहा है। अच्छा देखिए, जहाँ तक आपने आम आदमी की बात की है, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कहीं पे भी नहीं है। सियासत में बड़ी लंबी गेम होती है, बड़ी लंबा चलना पड़ता है, संगठन होता है, यहाँ संगठन नहीं है। दूसरी बात रही बीजेपी की, जैसे कि जमाल साहब ने बोला कि आज माइनिंग माफिया बीजेपी चला रही है, बीजेपी के नेता पर, बड़े नेता पर जो मोदी साहब के साथ बैठते हैं उन पर इल्ज़ाम लग चुका है कि वो माइनिंग माफिया से पैसा लेते हैं। हमने नहीं कहा, बीजेपी के MLC ने कहा, ये उन्होंने कहा। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ही गरीब गुरबे का ऑप्शन जो है, कांग्रेस ही रहेगी। दूसरी बात जो जम्मू की आप बात करते हैं, बीजेपी को जम्मू के लोगों ने बहुत सा प्यार दिया, सीटें दी, 25 सीटें दी, MP जिताए, लेकिन बीजेपी वाले उनके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे। और दूसरी बात, जो केजरीवाल साहब हैं वो महत्वाकांक्षी है, वो सिर्फ यूटी में, दिल्ली की एक यूटी में, वहाँ एक पार्क के लिए 50 करोड़ की एलोकेशन होती है, क्योंकि वो कैपिटल है इंडिया का। जब वो किसी और, देखिए पंजाब में वो मुकर गए अपने वादे से। चलिए मैं लास्ट में आम आदमी पार्टी की राय ले लूँ। हाँ, ये बताएं आप, भाजपा क्या लग रहा है कि क्यों विफल हो रही है, क्यों लोग नाराज हैं, आम आदमी पार्टी को क्यों पसंद करें? जल्दी देखिए, ये युवा खड़ा है ना, ये युवा ही, ये युवा जितना भी है आज रोडों पे है, ये युवा रोडों पे है, चाहे वो CISF BSF रूप में हो, डेंटल सर्जन के रूप में हो। डेंटल सर्जन की बात करूं तो 14 साल से कोई पोस्ट तक नहीं निकली, कांग्रेस रही बीजेपी रही, 14 साल से उनके लिए पोस्ट तक नहीं निकली, वो सोचिए डेंटल सर्जन रोडों पे है, ये कारण है। वाटर बटालियन रोड पे है आज युवा, हर एक वर्ग का, चाहे वो डेली वेजर, फोर्थ क्लास, CISF BSF, वाटर बटालियन रोडों पे है। और इनकी डिक्टेटरशिप देखिए, ये डायरेक्शन देते हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जाए, बिजली पानी ये फ्री की बात करते हैं, आज बिजली पानी अगर हम दे रहे हैं तो इनके प्रेसिडेंट के मुंह से कैसे निकला कि बिजली पानी हम भी देंगे? वो कह रहे बहुत सारी चीजें, आज वो परेशान हो चुके हैं। और 5 लाख कार्ड की बात करते हो, आपके ही चैनल के माध्यम से पता चलता है कि इनका जो कार्ड है 5 लाख का, वो दिखता ही नहीं। और सिर्फ 5 लाख नहीं, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को कार्ड की जरूरत नहीं। वहां दिल्ली में कोई भी एंटर करता है, अगर भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई उसको उठा के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक लेके जाए, वहां पे 5,000 उसको इनाम दिया जाएगा और 5 लाख से 75 लाख रुपए तक उसको इलाज किया जाएगा। ठीक है मैं एक बार आम आदमी की राय ले लूं और फिर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। अच्छा, भाजपा जो है वो आपको लग रहा है कि यहाँ पर विफल हो रही है, लोग उसे नापसंद कर रहे हैं? देखो, भाजपा का विकास का एजेंडा है जो मैं देखा हूँ तेजी से बढ़ रहा है। मैंने एम्स देखा है, दिन रात काम लगा हुआ है, शुरू ही साल मानसर टूरिज्म के नक्शे पर बढ़ता हुआ जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। मैं ये डेवलपमेंट में रहा था, स्मार्ट सिटी का देखिए, अब सिटी का जो हो रहा है बिल्कुल चेंज होता नजर आ रहा है। ये चीज़ें हमें सामने नजर आ रही है, विजिबल हैं चीज़ें, इसको हम नकार नहीं सकते। चलिए शुक्रिया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी की ये बात कर रहे हैं ना, इसी महल के पीछे DC ऑफिस है, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट बच्चे थे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट किया है, और उन पर लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पे, और उनकी डिमांड क्या थी कि वहाँ पर जो गार्बेज का आपने डंपिंग स्टेशन बनाया है स्मार्ट सिटी के नाम पे, उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। आप ये धर्म की बात करते हैं, पीरखो मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे लोगों का निकलना मुश्किल है, हैं, और आप लाठी चार्ज कर रहे हो लोगों के ऊपर, और कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। चलिए इस कार्यक्रम का हम अंत करेंगे। शुरुआत हमने करी थी कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू के अंदर पांव पसार रही है या नहीं, तो मिली जुली राय है, एक विकल्प के तौर पर निकलकर आम आदमी पार्टी जो है वो ज़रूर सामने आ रही है। लोग उसमें कई सारे नेता भी जा रहे हैं, और विकल्प लोगों को दिखने लगा है कि नहीं, अगर भाजपा नहीं हमारी बात सुनेंगे, उनके लीडर हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम आम आदमी पार्टी को जहाँ पर जितवाएँगे और फिर उन्हें सत्ता में लाएँगे। लेकिन भाजपा के राज में, जैसे पत्रकार साहब ने हमारे कहा,
कि काफ़ी चीज़ें जो हैं करप्शन बढ़ गई है, माइनिंग माफिया जो है वो सक्रिय हुआ है, टोल प्लाजा को लेकर भी काफ़ी लोग जो हैं वो गुस्साए हैं, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसे जिसका सल्यूशन देने में भाजपा नाकामयाब हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो एक विकल्प के तौर पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अभी उस तरह के चेहरे इसमें नहीं है। आप ज़रूर इस चर्चा चौपाल चर्चा के ऊपर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।